हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोगलापन है ये, दोगलापन। एक भाई साहब है जो ये बोलते रहते हैं और हमें एक अच्छी खासी तस्वीर भी दिखती है कुछ कुछ मूवीज को लेके, कुछ कुछ बिहेवियर को लेके, कुछ कुछ जो हम एज ऑडियंस हैं जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं उस तरीके से। देखो, अल्लाह वेंकटा मोरा मोलू का एग्जैक्टली एक साल पहले काफी तमाशा बना था, जब लास्ट टाइम आई थिंक जनवरी के आसपास ही ये रिलीज होने वाली थी, या नवंबर या जनवरी में, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अबाउट अ ईयर बैक। हिंदी के अंदर तो बहुत तमाशा हुआ था कि यार इसको रिलीज नहीं करने दे रहे, ये वो है, मैं तो थिएटर में ही देखनी है, वो। और जब वो रिलीज नहीं हो पाई तो हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम शहजादा को बॉयकॉट कर देंगे, कर देंगे। फिर इन बिटवीन ऑलमोस्ट एक सवा साल बीत गया और एक सवा साल के बीच में कार्तिक आर्यन एक ओके हीरो से सुपरस्टार बन गया, और उस सुपरस्टार के बाद उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आप रीमेक बना लो, अब कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हम आपको माफ कर देंगे और अब हम यहाँ पर ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा काम किया आपने, रीमेक कर लिया। ये दोगलापन नहीं तो क्या है यार, मतलब हैव द सेम स्टैंडर्ड ना यार। अगर आप बोल रहे हो कि रीमेक से इशू है तो फिर हर रीमेक से इशू होना चाहिए, और ये तो कट कॉपी पेस्ट वाला रीमेक है। एनीवेज, मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को देख के ये है कि कार्तिक आर्यन जेन्युइनली मजाक पार्ट ठीक ठाक उसने परफॉर्मेंस दी है ट्रेलर के अंदर जितना दिख रहा है कि वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहा है। बट जो स्वैग ऑफ अल्लू अर्जुन है वो मिसिंग इसीलिए है क्योंकि कुछ कुछ ना एक अकम्प्लिश्ड एक्टर होते हैं, जैसे ऋतिक रोशन हो गए, ये हो गए, तो अल्लू अर्जुन हो गए, ये क्या है कि ये हर तरीके के एक्ट कर सकते हैं, ये आप कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये एक्शन भी कर सकते हैं, ये आपको रोला भी सकते हैं, रोमांस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये ऑलराउंडर टाइप के लोग होते हैं। अब किसी भी एक्टर से ये उम्मीद करना कि नहीं यार तू यार कॉमेडी तो कर लेता था, थोड़ा बहुत रोमांस कर लेता था, अब एक काम कर तू इमोशंस भी पूरे दिखा, अब एक काम कर तू एक्शन मुक्के भी वैसे मार ले, ये नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कार्तिक आर्यन के इसके अंदर, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग अ वेरी गुड एक्टर। सो आई एम हैप्पी दैट कुछ कुछ एक्सप्रेशन उसके जो सीरियस एक्शन करने के टाइम पे आने ही चाहिए, कि जो उसका चेहरा वैसे थोड़ा सा देख के हंसी आ जाती है मेरे को तो, लेकिन इसमें उसने इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है कि नहीं, वो सीरियसनेस ऑफ द सीन समझ में आती है। दोगलापन यही है कि लोगों को ये कैसे पसंद आ सकता है जब बाकी रीमेक पसंद नहीं आए, इतना ज्यादा रोना होता रहता है। और ये एक और इंडिकेशन है, अगर लोगों को रीमेक से प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ सेगमेंट ऑफ लोगों को कुछ एक्टर से और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये बॉयकॉट जो है बहुत टारगेटेड तरीके से टारगेटेड एक्टर्स, टारगेटेड प्रोड्यूसर्स, टारगेटेड डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कम्युनिटी, कुछ लोगों के साथ ही होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते हैं। अल्लू अर्जुन के फादर खुद इसके प्रोड्यूसर हैं और खुद ही ये मूवी बेच देते हैं किसी हिंदी का रीमेक बनने के लिए, और फिर हम बोलते हैं कि हिंदी में रीमेक क्यों बन रही है। एनीवेज, ये अटेम्प्ट अच्छा है, लेकिन जो भी बोलो गाने, लेकिन अल्लाह वेंकटा मोरा मोलू के गाने किसी को नहीं भी समझ में आ रहे थे, अरमान मलिक की आवाज के अंदर लोगों ने तेलुगु में सुन सुन के गज डाले, लेकिन इसके गाने कुछ इंप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरा अटेम्प्ट है, लेकिन रीमेक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेकंड मूवी का ट्रेलर जो मैंने देखा, गांधी वर्सेस गॉडसे, गॉडसे वर्सेस गांधी, भूल गया क्या इसका ऑर्डर था। कोई ज्यादा मुझे इंटरेस्ट इसमें जनरेट नहीं हो रहा, मैं कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ड्रिवन आदमी नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता कि ये आज के जमाने में ये मूवी क्यों आ रही है। मेरे समझ के हिसाब से एक जब हिस्ट्री बन जाती है ना कुछ, तो हिस्ट्री का एक नरेटिव बन जाता है, वो नरेटिव लिखने वाले का नरेटिव होता है, जिसने वो लिख दिया या बोल दिया। उस टाइम पे ना आप थे ना मैं था, गांधी क्या सोच रहे थे या गॉडसे क्या सोच रहे थे, फिल्म मेकर ने ऐसा क्या रिसर्च कर दिया कि उसको समझ में आ गया और बाकी लोग फुद्दू बैठे थे और उसको अचानक से वो उजागर कर दिया। ये सारी चीजें जो मेरे समझ के हिसाब से प्रोपेगेंडा मूवीज होती हैं, ये कभी कभी गवर्नमेंट ड्रिवन होती हैं, कभी कभी कुछ कम्युनिटी ड्रिवन होती हैं, कभी कभी कुछ इंडिविजुअल ड्रिवन होती हैं। ये नरेटिव जो होते हैं समय समय के साथ ये आते रहते हैं। क्यों ये पास हो जाते हैं सेंसर बोर्ड के साथ, हम लोग सब समझदार हैं, हम समझ सकते हैं क्यों हो जाते हैं, क्या प्रूव करने निकल रहे हैं हम, क्या डिसमेंटल करने निकल रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा क्लियर है। डिसमेंटल करके हम क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कुछ सालों से अभी देखना शुरू कर चुके हैं। एक बंदे का कॉमेंट आया था बहुत जबरदस्त तरीके का ये गॉडसे वाली मूवी के अंदर, कि द डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड गॉडसे इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। गॉडसे वॉन्टेड टू अनफर्ल अ भगवा फ्लैग, गांधी जी वॉन्टेड अ ट्राई कलर फ्लैग।
इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है ये मूवी मेरे समझ की तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एज अ रिव्यूअर फर्ज बनता है देखना, तो देखेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे समझ के हिसाब से ये बहुत पॉलिटिकल मूवी है, इसमें मैं अपना स्टैंड चेंज नहीं करने वाला। ये बनवाई जाती है मूवीज, ठीक है, कुछ नरेटिव करवाने के लिए। किसने कराया, क्यों कराया, वो अपने को समझ में आती नहीं है, बट नरेटिव तो है इसके अंदर। अभी किसकी साइड पर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, या दिमाग को करप्ट करता है, या फिर न्यूट्रल छोड़ गया जाता है, पता नहीं। क्योंकि इससे पहले भी एक मूवी आई थी हिंदुत्व करके, उसके अंदर भी ऐसा लगा था कि एजेंडा है, बहुत हद तक चीजें एस्टैब्लिश कर दी कम्युनिटी के अगेंस्ट, फिर उसके बाद बोल दिया गया कि ओपन एंडेड छोड़ दो। तो इतना जब आप 2-2.5 घंटे एक चीज सीड कर ही चुके हो और एंड में बोल दो कि नहीं 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 ओके है, तो फिर ऑब्वियसली 2.5 घंटे में आपने तो सीड कर लेना अपने दिमाग में। ऐसे ही गॉडसे वाले ट्रेलर के अंदर भी आप बहुत चीजें तो सीड इन कर दोगे, फिर उसका बोलोगे ठीक है अपना अपना सोच लो, अपना कैसे सोच लो जब 2.5 घंटे पूरा भर दिया। तो यही था यार मेरा रिएक्शन। आपको कुछ और लगता है तो बताना। मेरा जो रिव्यू रिएक्शन था इसके अंदर, एक कॉमन मैन की तरह बात करने वाला था, एक्सपर्ट की तरह नहीं था, क्योंकि मेरे को ना तो गांधी समझ में आते, ना गॉडसे समझ में आते, क्योंकि मैं वहां तब पैदा ही नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता वो कैसे सोचते थे। उनसे कोई डिबेट कर पाते तो हम अपनी बात रख पाते, अभी हम बात ही नहीं रख पा रहे, तो थैंक यू वेरी मच है। जो थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया उसको थोड़ा फिलहाल सच मान लेते हैं और उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी का कुछ और नया सच आ रहा है तो सिलेबस भी चेंज कर लेना यार, ठीक है। बाकी और रिव्यूज और मूवीज के अपडेट के साथ जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।